फर्स्ट टाइम सेक्स कैसा करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। काफी लोग सवाल करते हैं कि फर्स्ट टाइम सेक्स कैसे करना चाहिए, शादी के पहले सेक्स करना चाहिए या नहीं सेक्स करना चाहिए, कौन सी उम्र में सेक्स करना चाहिए, कौन सी उम्र योग्य है सेक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह काफी सारे सवाल इसके बारे में आते रहते हैं। देखिए, सेक्स करना है तो दोनों की कंसेंट जरूरी है, शादी हो या ना हो, दोनों में भी कंसेंट है, इच्छा है दोनों की। सेफ जगह पे करना चाहिए जहां ऐसा डर नहीं है, कोई आएगा कोई पकड़ लेगा, दोनों में खुश है भाई, माहौल खुशी का है, इमोशंस खुशी के है, मन में डर नहीं है और दोनों भी कंफर्टेबल है। तो कंसेंट लेना दोनों की, स्पेशली लड़की की कंसेंट लेना, मतलब उनकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होती है। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजुअली होता क्या है कि प्राइवेसी लेते नहीं है, प्राइवेसी में करते नहीं है और उस समय कुछ तो भी एक्सीडेंटल कोई तो भी प्रॉब्लम हो जाता है और वहां से सेक्सुअल प्रॉब्लम तैयार होता है। आपका फर्स्ट टाइम जो है वो कभी भी बेस्ट टाइम नहीं होता है। हो सकता है कि आपको बहुत बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 2-4 बार 8-10 बार और बाद में आपका फर्स्ट टाइम आएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है उसमें दर्द होगा क्या, होगा नहीं होगा पता नहीं, अच्छा ब्लीड होगा क्या फर्स्ट टाइम में, ब्लीड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या है कि वजाना के मुंह के ऊपर हाइमेन रहता है, इलास्टिक टिश्यू है, वो इलास्टिक है, वो ब्लीडिंग होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले इलास्टिक वो टूट गया हो या टूटा नहीं भी हो, तभी भी वो इलास्टिक टिश्यू होने के नाते कभी ब्लीड होगा भी नहीं। तो ब्लीड होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझो ब्लीड नहीं हुआ इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ या फर्स्ट टाइम नहीं है लड़की का, ऐसा भी समझना जरूरी नहीं है। कंडोम वापरना बिल्कुल जरूरी है, कंडोम वापरेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंडोम वापरना बिल्कुल जरूरी है। और ये आपको जानना जरूरी है कि भाई STD टेस्ट मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है क्या, उसमें का कोई डिजीज है क्या, टेस्ट की हुई है क्या, तो बेटर द बेस्ट। फोर प्ले करना बहुत ही जरूरी है, बहुत रश नहीं करने का है, आराम से करना है, एंजॉय करते करते करना है, और आप यदि उसको एंजॉय करते तो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको आएगा। सवाल याद है कि शादी के पहले करना कि नहीं करना, वो चॉइस हर एक का अपना अपना है कि करना नहीं करना है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में है, डेटिंग कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है, करना कि नहीं करना वो चॉइस एंटायरली अभी लड़का और लड़की का है। मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ आपको कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, कंफर्टेबल जगह पे करना, प्राइवेसी अच्छी होना, सेफ होना, मतलब कंडोम का इस्तेमाल करना है। तो यदि आप करते हैं तो सेक्स पहली बार करो या कभी भी करो, प्रॉब्लम कभी भी आएगा नहीं। यूजुअली क्या होता है कि सेक्स करने के बाद में यदि तुरंत बाजू में हो गए और बाद में कुछ भी आफ्टर प्ले नहीं किया, तो लड़की को ऐसा लगता है, महिला पार्टनर को, पत्नी हो या कोई भी महिला पार्टनर हो, उनको ऐसा लगता है कि मुझे यूज किया गया, वापर किया गया। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी आप हग करते हैं, किसिंग करते हैं और साथ में रहते हैं तो उसको अच्छा लगता है। कोई भी लड़की को या कोई भी स्त्री पार्टनर को फोर प्ले और आफ्टर प्ले में बहुत ज़्यादा मजा आता है और वो एक्सपेक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा फोर प्ले और आफ्टर प्ले होना है, क्योंकि कोई भी स्त्री फोर प्ले और आफ्टर प्ले में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।